अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब और टाइम के साथ कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है और फ्रेजल वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फ्रेजल वर्ब जो कि टाइम के साथ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले स्पेंड टाइम, उर्दू में वक्त गुजारना, इंग्लिश में कैसे टू यूज टाइम एज अ रिसोर्सेज, मतलब वक्त को ऐसे इस्तेमाल करना जो किसी काम में लगाया हो। जैसे कि आई स्पेंड टाइम स्टडी लास्ट नाइट, कल रात मैंने अपना वक्त पढ़ाई में गुजारा या पढ़ाई करते हुए गुजारा। इसी तरह मेक टाइम मतलब वक्त बनाना, जैसे कि टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम स्केड्यूल, स्केड्यूल भी पढ़ेंगे और शेड्यूल भी पढ़ेंगे, आपकी मर्जी जो पढ़ लें। तो मेक टाइम, कैन यू मेक टाइम फॉर मीटिंग, अब एक बंदे का पूरा टाइम डिसाइड है कि उसने दिन भर क्या करना है, अब उस टाइम में से हम उसका टाइम मांग रहे हैं, तो उस टाइम में से वो अपना जो वक्त निकालेगा उसके लिए हम कहेंगे मेक टाइम, कैन यू मेक टाइम फॉर मीटिंग। इसी तरह फाइंड टाइम वक्त निकालना, फाइंड टाइम वक्त निकालना, टू सर्च अ शेड्यूल फॉर अवेलेबल टाइम, मतलब आपका जो वक्त डिसाइडेड है उसमें से ऐसा वक्त निकालना जो कि किसी को आप दे सकते हैं। जैसे कि लेट्स फाइंड टाइम टू कैच अप, मतलब हम मैं भी बिजी हूँ, मेरा दोस्त भी बिजी है, अब हम पूरा दिन जॉब करते हैं, तो अब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार चलो टाइम ढूंढते हैं, कहीं पे मिलते हैं और बैठते हैं, बातें करते हैं। तो इसी तरह लेट्स फाइंड टाइम टू कैच अप, वक्त निकालते हैं और कहीं पर बैठते हैं या मिलते हैं। इसी तरह किल टाइम वक्त बर्बाद करना, टू डू समथिंग यूजलेस, मतलब ऐसे आप कोई ऐसा काम करो जो कि किसी काम का किसी चीज मतलब ऐसा काम जो आपके किसी काम का नहीं, बस आप उसको जाया कर रहे हैं। जैसे कि आई एम किलिंग टाइम अंटिल ही कम्स, अब मैं बैठा रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ, अब उस वक्त में मैं चाहता था कोई बुक पढ़ सकता था या कोई और काम कर सकता था या मैं नेट पे कोई चीज सर्च करके उसे अपने काम में ला सकता था, लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा, अब मैं उसके इंतजार में जो वक्त निकाल रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ किल टाइम, आई एम किलिंग टाइम अंटिल ही कम्स, मैं जो है वक्त बर्बाद कर रहा हूँ जब तक वो नहीं आ रहा, या मैं वक्त जाया कर रहा हूँ जब तक वो नहीं आ जाता। इसी तरह वेस्ट टाइम वक्त जाया करना, टू यूज टाइम इन अ नॉन प्रोडक्टिव वे, ऐसा वक्त को ऐसे ऐसे कामों में लगाना जो किसी काम के नहीं है। आई वेस्टेड सो मच टाइम, मैंने अपना बहुत वक्त जाया किया है, मैं अपना बहुत वक्त जाया कर चुका हूँ या मैंने अपना बहुत वक्त जाया किया है। इसी तरह टेक टाइम वक्त लेना, टू यूज टाइम इन अ चूजन एक्टिविटी, मतलब आपकी जो एक्टिविटीज है उनमें से आपने एक टाइम को चूज किया कि इस काम को मैं इसके लिए करूंगा। जैसे कि आई टू टाइम टू मीट यू, मैंने टाइम निकाला है या मैंने वक्त लिया है तुमसे मिलने का, जो मैंने वक्त लिया है तो वो है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।